ओम शांति। 3 अक्टूबर की शुरू धनवासु का स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि बाप के फरमान पर मतलब ऑर्डर पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भवा। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। जैसे कि हम रिसाइकल बिन में बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें व्यर्थ फाइल्स को हम डाल देते हैं ताकि लैपटॉप या जो मेमोरी हो कम थोड़ी सी हल्की हो जाए, वो हम कभी भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि हमें अपने बुद्धि में जो व्यर्थ है बेकार की बातें हैं उनको अपवित्र बातों को हटा देना, क्लियर करो। चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर। अच्छा भी कुछ हो रहा हो तो बाबा को दे दो और कुछ बुरा भी हुआ हुआ है उसको भी बाबा को अर्पण कर दो। अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ मन ही मन। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, जैसे कि हस्बैंड वाइफ या आपस में भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं, आज ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ऐसा होता तो वैसा होता, ये होगी व्यर्थ बातें। वह विकारी स्वप्न आते हैं तो क्या होता है, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ वह विकारी स्वप्न आते हैं, बिकॉज जो बुद्धि में चल रहा है उसके अनुसार ही आत्मा सोचना शुरू कर देती है सोते समय। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गंदे सपने आते हैं या मुझे व्यर्थ सपने आते हैं, विकारी सपने आते हैं, तो हम सोने से पहले कर क्या रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। तो अगर हम परमात्मा के बारे में सोचें, पूरे दिन में परमात्मा को अपनी खबर दें कि आज ये हुआ, उनको साथी बना करके, तो वो सपने कट होते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करें। ओम शांति।